हेलो गाइस, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आ जाइए फटाफट से, अपना अपना ज्वाइनिंग जो है ले लीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास. तब तक मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूँ स्टूडेंट्स तक, ताकि सभी अपना अपना जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे ले लीजिए. ऑल राइट, क्या हो रहा है? वीडियो तो शुरू ही नहीं हो रहा है यहाँ पे. कुछ तो गड़बड़ है दया. तो दिखा रहा है. ओके ओके ओके, फाइनली सो हेयर वी आर. ओके सो गाइस, वीडियो हमारा हो चुका है स्टार्ट, और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट. क्या नाम है इसका? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स. देखिए, जब बात आती है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की, तो आप लोगों को पता है कि दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. और यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि वो क्या तैयारी करें, कितना पढ़ें. एंड बेसिकली दिस इज़ वेरी 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 स्कोरिंग यूनिट. काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों का ये यूनिट ऐसा है जो आपको अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे दिलवाएगा. गुड इवनिंग इंगोल, हेलो जयजिता. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि वीडियो ब्लर है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो आपके पास यहाँ पे तीन डॉट आएंगे. तीन डॉट के ऊपर आप क्लिक करके जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है ना 480p की, वो आप सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि जो है यहाँ पे ये ब्लर सा जो है क्या है वीडियो वगैरह आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, दिस इज अगेन मी तान्या भाटिया. आई एम द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड नंबर वन टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स NTUGC नेट कैटेगरी. तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग मुझे जाके कर लीजिएगा अन अकेडमी पर फॉलो. कैसे करना है? अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे तान्या भाटिया सर्च कीजिए, मेरी प्रोफाइल जो है इस तरीके से खुल जाएगी. एंड गाइस, व्हेन यू आर साइनिंग इट अप फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप अन अकेडमी को साइन अप करेंगे, तो ये आपसे यहाँ पे मांगेगा कोड, मांगेगा अपने एजुकेटर का कोर्स देखने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब मेरी यहाँ पे जो स्पेशल क्लासेस है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे मेरा कोड अप्लाई कर दीजिएगा. एंड माई कोड इज़ दी तान्या लाइव. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा जो कोड है, ये है जी मेरा कोड, दैट इज़ योर तान्या लाइव. आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि आपके पास मोक वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अनलॉक होना यहाँ पे वो शुरू हो जाए. ठीक है, सो गाइज, हेयर वी हैव आज का हमारा पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. कीजिए जरा. लगाइए सब इसके ऊपर दिमाग. मैम, आपकी बुक कैसे ऑर्डर करें? उसके लिए जो है आप मुझसे कीर्ति व्हाट्सएप के ऊपर बात कर लेना. आई विल शेयर अ लिंक विद यू हाउ टू डू. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द टोटल अमाउंट ऑफ अ पॉल्यूशन दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल, देन लेटिंग द मार्केट सेट अ प्राइस ऑन द राइट टू कंट्रीब्यूट टू दैट टोटल. सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रदूषण की कुल मात्रा की पहचान करने और फिर बाजार को स्कूल में योगदान करने के लिए अधिकार का एक मूल्य निर्धारित करने देता है. हेलो कांशा वर्मा, क्या है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पिगुविन ऑप्शन वैल्यू, ट्रेडेबल परमिट. ओके, उष्म प्रवैगिकी के पहले कानून. हेलो सिंपली मिश्रा, गुड इवनिंग. पिगुविन विकल्प मान व्यापार योग्य परमिट. थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का. टोटल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन जो आप लोगों का क्या है, सोशली एक्सेप्टेबल है, देन लेटिंग द प्राइस सेट अ प्राइस ऑन द राइट टू कंट्रीब्यूट टू दैट टोटल. पानी की टंकी आ गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए.
बी बोल रहा है ज्यादातर. लेट मी से रिकॉर्डिंग में देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा. ओके सो गाइस पी बी नहीं है आपका. बी तो पिगवन टैक्सिस होते हैं ना, जो आप लोग बेसिकली लगाते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को दूर करने के लिए. पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ कितना आप लोगों का एक्सेप्टेबल है कितना नहीं है, उस हिसाब से जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आता है डी होगा आप लोगों का ट्रेडेबल परमिट. और सबसे पहले यहाँ पे डी दिया है किसने दिया है, लेट मी सी डी किसने दिया है, बसंती दास ने दिया है सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर जो है. सो कुडोस फॉर बसंती. अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम कम कर दूँ. इन्वॉल्व्स बार्गेनिंग बिटवीन दोज हु परपेचुएट पॉल्यूशन एंड दोज हु सफर फ्रॉम सच पॉल्यूशन विद प्रॉपर्टी राइट्स डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ दैट बार्गेन. उन लोगों के बीच सौदेबाजी को शामिल करता है जो प्रदूषण को रोकते हैं और जो ऐसे प्रदूषण से पीड़ित हैं वे उस सौदे के परिणाम को निर्धारित करते हैं. व्यापार योग्य परमिट, कॉस्ट प्रमेय, विकल्प मान, उष्म प्रवेगी के पहले कानून. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. देखो जब भी आप लोगों की जो है क्या है बात आ जाए, किसके बारे में बात आ जाए, जब भी आप लोगों की बात आ जाए ना प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, तो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जब भी हम लोग डिस्कशन अपना हम लोग करते हैं, शेयर जो है हम अपना करते हैं, तो वो आप लोगों का सारा उसके अंदर क्या होता है. आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ मैं इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ही. तो वो सारा का सारा जो है आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा. क्या नज़र आएगा, दिस ऑल स्टफ विल गो टू दी जो ये आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा. आपको यहाँ पे ये सारा का सारा जो है इसमें आपको यहाँ पे नज़र आता है. क्या है जी, ये आप लोगों का कॉस थ्योरम से जो है क्या है ये पूरा का पूरा आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ये रिलेट करने वाला है. ठीक है, अभी एक्चुअली थोड़ा सा पीडीएफ वो वाली मिसप्लेस हो गई है. चलो कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे आपको, वापस चलते हैं. हाँ जी, तो कॉस थ्योरम जो है हमारी क्या होती है, कॉस थ्योरम जो है आप लोगों को यही बताती है कि अगर दो लोग जो है क्या है बार्गेनिंग आप लोगों की कर सकते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ, इफ़ टू पीपल कैन बार्गेन एंड दे फाइंड दैट बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट, तो बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से, तो ऐसे में तो वो एक्सटर्नैलिटी जो है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. और अगर जो है आपको यहाँ पे नज़र आता है कि भैया कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट जो है बेसिकली वो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो वहाँ पे कम हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों को उस टाइम के ऊपर कौन सी वाली चीज़ नज़र आती है, फिर आप लोगों को उस टाइम के ऊपर ये वाली चीज़ जो है देखने के लिए मिलेगी. आपको नज़र आएगी कि वो एक्सटर्नैलिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो आप लोगों को स्टॉप होते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके चलिए अगला क्वेश्चन. द मेजर बैरियर टू इंटरनेशनल माइग्रेशन टूडे इज फिजिकल डेंजर, कॉस्ट, इमाइग्रेशन कंट्रोल, टाइम. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब दिया है किसने दिया है, हिमांगनी ने दिया है. सुकुटोस फॉर हिमांगनी. आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की प्रमुख बाधा है शारीरिक खतरा, लागत, आवर्जन नियंत्रण या फिर समय. थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताइए. देखो इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाना. ठीक है, क्या करना हमने यहाँ पे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है हम लोग यहाँ पे उठ के जा रहे हैं, तो वो होता है आप लोगों का इंटरनेशनल माइग्रेशन. यू कैन सी द ब्यूटीफुल पिक्चर विच इज़ शोइंग अबाउट द इंटरनेशनल माइग्रेशन. देखो सारे लोग कैसे जो है ये जा रहे हैं ना, तो पूरा आप देख सकते हैं. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल के ज़माने में क्या है. हेलो अभिषेक पांडे, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैरियर है वो है आपका इमाइग्रेशन कंट्रोल. ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी आपको माइग्रेशन करना है तो आपको पता है पहले आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको एज अ फॉर्मेलिटी में पहले पूरा करनी पड़ती है, फिर कहीं वो आपको जाने देंगे. सबसे पहले हिमांगनी ने दिया है, सुकुडोस फॉर हिमांगनी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्स टू एज द हेडोनिक प्राइस मेथड फॉर वैल्यूइंग इन्वायरमेंटल असेट. कर लीजिए जरा इसे. हम्म
इसको आप कीजिए, तब तक मैं दिखाती हूँ आपको कुछ। यूजिंग ऑप्शन वैल्यू टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एन एनवायरमेंटल असेट, यूजिंग ट्रैवल कॉस्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल असेट, यूजिंग एक्सिस्टेंस वैल्यू टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल असेट, यूजिंग लिंकेजेस बिटवीन वेरिएशन इन हाउस प्राइस एंड जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू एन एनवायरमेंटल असेट। निम्नलिखित में से किसको अक्सर पर्यावरणीय संपत्ति के मूल्य निर्धारण के लिए हेडोनिक मूल्य पद्धति के रूप में जाना जाता है, पर्यावरण संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए विकल्प मूल्य का उपयोग करना, एक पर्यावरण संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए यात्रा की लागत का उपयोग करना, पर्यावरणीय संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए अस्तित्व मूल्य का उपयोग करना, घर की कीमतों में विविधता और एक पर्यावरण संपत्ति के लिए भौगोलिक निकटता के बीच संबंधों का उपयोग करना। ओके, तो गाइज आंसर हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। हेडोनिक प्राइज मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया होगा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का कि इसके बिना आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को। हेडोनिक प्राइज जो है देखो क्या बताता है, ये पिक्चर आपको क्लियरली दिखा रही है हेडोनिक प्राइज के बारे में। हेडोनिक प्राइज होता है मतलब जब भी आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग पहले आसपास का इन्वायरमेंट देखोगे ना कि वहाँ पे आसपास एयरपोर्ट है या नहीं है, कॉलेज है या नहीं है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है घर के प्राइस को बढ़ा भी सकती हैं, और अगर ये चीज़ें घर के आसपास ना हो तो फिर आपको पता है कि वो जो है ऐसे टाइम के ऊपर क्या करेंगी, फिर घर के प्राइस को गिरा भी सकती हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का रुमाना ने दिया है, सो कुडोस फॉर रुमाना। अगला क्वेश्चन, सोशल बेनिफिट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी विच इज कैलकुलेटेड एज, सामाजिक लाभ एक सकारात्मक भारिता का एक प्रचार है जिसे निम्न के रूप में परिकलित किया जाता है, टोटल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट प्लस सोशल बेनिफिट, कुल लाभ, निजी लाभ प्लस सामाजिक लाभ, टोटल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस पब्लिक बेनिफिट, कुल लाभ, निजी लाभ, सार्वजनिक लाभ, टोटल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस गवर्नमेंट बेनिफिट, कुल लाभ इज इक्वल टू निजी लाभ प्लस सरकारी फायदा, टोटल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट माइनस गवर्नमेंट बेनिफिट, कुल लाभ इज इक्वल टू निजी लाभ माइनस सरकारी फायदा। हाँ जी, तो देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जो है हमारी क्या होगी, देखो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है जब कोई चीज़ जो है सोसाइटी में क्या करती है, सोसाइटी में फ़ायदा पहुँचाती है। ओके, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आप लोगों की क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जब कोई चीज़ सोसाइटी में फ़ायदा पहुंचाती है और आपको यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के तो आ रहे हैं पॉजिटिव के। देखो यहाँ पे आप देखो जैसे आपने कोरोना की आपने वैक्सीन लिया है ना, कोई कोरोना पेशेंट है वो उसने वैक्सीन ले लिया, एडुकेशन भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, इंश्योरेंस भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, एडवर्टाइज़ करना, इन्वेस्टिंग, ये सब आप लोगों का पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के एग्जांपल में जो है आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहता है। क्रेडिट स्कोर्स टू साइंस टिप्स डॉट कॉम का पिक्चर हमने यहाँ पे दिखाया है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग बात करते हैं सोशल बेनिफिट की तो उसमें आप टोटल बेनिफिट में प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों आप लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, ए वुड बी द राइट ऑप्शन। और सबसे पहले सही जवाब दिया है दीना बंधु साहू ने, सो कुडोस फॉर दीना बंधु साहू। और बाकी चीज़ें हम लोग कर देते हैं इरेज जो किसी काम की नहीं है, ताकि बाद में रिकॉर्डिंग देखने वालों को कन्फ्यूज़न ना हो। लो भाई अगला क्वेश्चन, होटलिंग रूल तो अभी आप रहने दो। इन्वायरमेंटल कजनेट कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल एंड द डिग्रेडेशन ऑफ, ठीक है, किस किस चीज़ के बीच के रिलेशन को बताता है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, पर्यावरण कजनेट वकर, पर्यावरण शनन और डैश के बीच के संबंध को दर्शाता है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति खपत, प्रति व्यक्ति व्यय और ए और बी दोनों।
सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ, दिस इज नॉट सिक्स, दिस इज सेवेंथ. जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है ना, उसके हिसाब से जवाब दो. क्या बात है, अंशिका सिंह ने दिया है सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर जो है. एंड द करेक्ट आंसर वो टू बी पर कैपिटा इनकम. देखो भाई, कर्नेट कर्व को लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है दिमाग में, तो आपको दिखा देते हैं. कर्नेट कर्व जो है वो हमारा इन्वायरमेंट वाला किस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, आपको नज़र आता है. ऑब्वियस सी बात है, कर्नेट कर्व की अगर हम लोग बात करें तो इसको किसने दिया था, इसको कर्नेट ने ही जो है यहाँ पे दिया था. एंड हेयर यू कैन सी क्रेडिट गोज टू resilience.org. तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका आ जाता है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आ जाता है हमारा GDP पर कैपिटा. तो ये कहते हैं स्टार्टिंग में जब आपका GDP पर कैपिटा बढ़ेगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगी, फिर एक टाइम के ऊपर जाके कांस्टेंट हो जाता है, फिर कांस्टेंट होने के बाद जब GDP आपका बढ़ता जा रहा है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है फिर वो कम होना शुरू हो जाती है. तो पर कैपिटा इनकम के बीच के रिलेशन को बताएगा, ए वुड बी द राइट ऑप्शन. सेकेंड स्टेज ऑफ CP ब्लैकर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिक्लाइन इन बर्थ डेथ रेट, श्रिंकिंग पॉपुलेशन. द्वितीय चरण CP ब्लैकमेल, जनसंख्या की संक्रमण, औद्योगिक क्रांति का एक चरण, औद्योगिक क्रांति के बाद जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट, सिकुड़ती हुई जनसंख्या. क्या है एट्थ का आंसर बताइए. बड़ी कंफ्यूजन है, ए भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं. ऑलराइट, सो गाइस, जो सेकंड फेज है CP ब्लैकर के हिसाब से, आप इसे फेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. औद्योगिक क्रांति का जो है क्या है, ये एक चरण है. और सबसे पहले राइट आंसर दिया है दीना बंधु साहू ने, सो कुडोज फॉर दीना बंधु साहू. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे दिखाऊंगी, मैंने इसका ग्राफ जो है डाला हुआ है, तो आपको इसको बाद वाली क्वेश्चन में दिखाएंगे, ठीक है. देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है ये आप लोगों का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टेज फोर्थ ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज पोस्ट ट्रांजिशन आर करेक्टराइज बाय, किस तरीके से करेक्टराइज इसे किया जाएगा. लो बर्थ लो डेथ रेट, देन वी हैव दी लो बर्थ हाई डेथ रेट, हाई बर्थ लो डेथ रेट, उसके बाद है हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट. जनसंख्या की संक्रमण के चरण के बाद संक्रमण की विशेषता है कम जन्म और कम मृत्यु दर, कम जन्म और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म और कम मृत्यु दर, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर. तो नाइन्थ के आंसर हमारे पास आना शुरू हो गए हैं. और सबसे पहले दिया है किसने दिया है सबसे पहले राइट आंसर, सबसे पहले राइट आंसर दिया है हर्षिता अग्रवाल ने, सो कुडोज फॉर हर्षिता अग्रवाल. देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो फोर्थ स्टेज होती है, लास्ट स्टेज में क्या होता है आपको दिखाऊं मैं जरा, ये देखो, हियर वी हैव इट स्टेज फोर्थ. स्टेज फोर्थ में हमारी बर्थ रेट भी डाउन होती है, लोगों में इतनी समझ आ गई है, और डेथ रेट भी डाउन होती है. मतलब अब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कम पैदा हो रहे हैं, और जो लोग मर रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं. आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं ये, ये देखो. सो गाइज, दिस इज दीज आर दी स्टेज स्टेजेस, टोटल चार तरीके की स्टेज हैं. तो आप देख सकते हो स्टेज फोर्थ में हमारे साथ क्या हो गया, वेरी स्लो हो गई है हमारी ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पे जो है यार क्या हो रही है, यहाँ पे बर्थ रेट भी आप लोगों की कम हो रही है, और जो डेथ रेट है वो भी हमारी क्या हो रही है, वो भी हमारी यहाँ पे आपको कम होती हुई नज़र आती है, ठीक है. अच्छा, जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं ये आपको बाद में बताऊँगी इंडस्ट्रियल वाला, देखिए CP ब्लैकर की थ्योरी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो स्टेज वन है उसे हम लोग प्री इंडस्ट्रियल भी कहते हैं, स्टेज टू को अर्लियर इंडस्ट्रियल कहते हैं,
स्टेज थर्ड को मेच्योर इंडस्ट्रियल कहते हैं और स्टेज फोर्थ को आप लोग कहते हो पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो उसने यही पूछा था कि सेकेंड स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज को हम लोग अर्लियर इंडस्ट्रियल के नाम से जो है आप उसे यहाँ पे जानते हैं। क्लियर, होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। लो भाई, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट आइडल साइज ऑफ पॉपुलेशन विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम इनकम पर हेड, मैक्सिमम आउटपुट पर हेड, मैक्सिमम इनपुट पर हेड, मैक्सिमम कंजम्पशन पर हेड। इष्टतम जनसंख्या का आदर्श आकार है जो प्रदान करता है प्रति प्रति व्यक्ति अधिकतम आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, प्रति व्यक्ति अधिकतम इनपुट, प्रति व्यक्ति का अधिकतम उपभोग। क्या बताने वाला है जी आपको, आइडल साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, आइडल साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारा बताएगा, क्या बताएगा, इट विल टेल्स अस दी मैक्सिमम इनकम पर हेड जो है आप लोगों को यहाँ पे कितना देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, इस थ्योरी को दिखाते हैं आपको जूम करके। ये देखिए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के लाने का क्या मतलब है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन आप उसे ही कहेंगे जब आपका यहाँ पे क्या है, हेयर वी हैव द पॉपुलेशन, और इनकम क्या हो रही है, इनकम पर हेड हो रही है हमारी मैक्सिमाइज। ठीक है, कैसी हो रही है इनकम पर हेड, इनकम पर हेड आप लोगों को मैक्सिमाइज जो है ये देखने के लिए मिल रही है। ओके, और सबसे पहले राइट ऑप्शन दिया है किसने, दिया है दीना बंधु साहू का, आया मेरे पास सबसे पहले करेक्ट आंसर जो है। सो कुडोज फॉर दीना बंधु साहू। देखिए, टोटल 3 स्टेजेस है यहाँ पे। अगर तो आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन से पहली वाली स्टेज में है तो ये अंडर पॉपुलेशन होगी, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। इससे आप ज़्यादा चले जाते हो तो ओवर पॉपुलेशन है। फिर ऐसे में जो इनकम पर हेड है, देखो इनकम पर हेड का क्या फॉर्मूला होगा, इनकम पर हेड का फॉर्मूला है आप लोगों ने देना है, इनकम आपने लेना है डिवाइड बाय आप उसको कर दो पॉपुलेशन से। आप खुद ही सोचो, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है, इनकम कांस्टेंट हो तो फिर क्या ही होगा, पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो वही वाली आपकी स्टेज आपको यहाँ पे देखने के लिए इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलती है। राइट, लो भाई अगला क्वेश्चन। आई होप आप ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा जूम कम कर देते हैं ऐसे। विच इज द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। भारत में अधिकतर लिंग अनुपात वाले राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला या फिर उड़ीसा। विच इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देखिए, आपको पता है जो अभी हमारे पास डाटा आने वाला है वो 2021 सेंसस का आएगा, और सेंसस 10 साल में एक बार होती है। तो 10 साल में एक बार होती है, तो 2011 के सेंसस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे आपका मैक्सिमम सेक्स रेशियो है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इस बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। या केरला इज़ अ प्लेस। ओके, सो गाइस, केरल इज द प्लेस। और सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर दिया है दीना बंधु साहू ने ही राइट आंसर दिया है। सो गाइस, केरला इज द प्लेस जहाँ पे आप लोगों का क्या है, मैक्सिमम सेक्स रेशो जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एंड हेयर वी हैव, सो गाइस दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ शोइंग अस द केरला, ताकि आपके दिमाग में रहें। एंड इट इज़ शोइंग यू अबाउट द किस चीज़ के बारे में आप लोगों को बता रहा है, ये बता रहा है कि मैक्सिमम सेक्स रेशियो जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, मिनिमम के ऊपर भी क्वेश्चन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हर्षिता, अकॉर्डिंग टू मालथस प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की मालथस समस्या के अनुसार पॉवर्टी, वॉर, स्टारवेशन, इकोनॉमिक डिप्रेवेशन क्या है। ठीक है, मार्थुस के हिसाब से जो
प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है? सी दे रहे हैं, ओके। देखिए स्टारवेशन इज द राइट आंसर, भुखमरी। मैं आपको दिखाती हूँ उसके लिए, देखिए स्टारवेशन क्यों है। देखिए इनकी जो थ्योरी है मार्थस की, दैट इज़ वेरी सिंपल। इन्होंने क्या बोला था आपको दिखा देते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। ये रहा मार्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इन 1798 थॉमस मार्थस पब्लिश हिज व्यूज ऑन द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन फूड सप्लाई। हिज थ्योरी हैज टू बेसिक प्रिंसिपल। तो दो बेसिक प्रिंसिपल जो है हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं, वो यही है कि पॉपुलेशन जो है वो आप लोगों का ग्रो कर रहा है जियोमेट्रिक रेट के ऊपर। तो देखिए जियोमेट्रिक रेट के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, इस तरीके से। फूड कैसे ग्रो कर रहा है? फूड हमारा ग्रो कर रहा है अर्थमेटिक रेट के ऊपर, 1 से 2, 3 से 4, इस तरीके से। तो ये मार्थस की थ्योरी थी। और इन्होंने बोला द टेबल ऑफ नेचर इज लेड फॉर फ्यू, दोज हु हैव अनइनवाइटेड दे विल स्टार्व। तो ये देखिए बच्चा बैठा हुआ है बेचारा, खाने की प्लेट स्लेट लेके यहाँ पे बैठा हुआ है ना। तो स्टारवेशन मतलब भुखमरी वाली हालत जो है क्या है, हो जाएगी। इन अ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पैरामिड द एज रेंज ऑफ ईच बार इज। हेलो राम कुमार। एक मानक जनसंख्या पिरामिड में प्रत्येक पट्टी की आयु सीमा है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 years, 10 years, 15 years या फिर 20 years। कर लीजिए जरा ऐसे, आप वीडियो स्लो जा रही है आपके पास ना। आंसर्स आना शुरू हो गए हैं हमारे पास 13 क्वेश्चन के। देखिए पॉपुलेशन पैरामिड जब आप बनाते हो तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर दिया है, किसने दिया है सबसे पहले राइट आंसर? हिमांगनी बैरा ने जो है दिया है सबसे पहले राइट आंसर। सो कुड फॉर हिमांगनी एंड ए वुड बी द राइट आंसर। आपको दिखा देते हैं पॉपुलेशन पैरामिड के बारे में भी। कहाँ है हमारा पॉपुलेशन पैरामिड? ये देखो, देखो पॉपुलेशन पैरामिड जो है आप लोगों को क्या बताता है, पॉपुलेशन पैरामिड आप लोगों को बताता है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन के बारे में और उनकी एज के बारे में। तो यहाँ पे जो इंटरवल हम लोग लेते हैं ना, ये जो गैप होता है, ये 5-5 साल के गैप को जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। सो ए वुड बी द राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, नज़र जो है ये Which is the least urbanized state of the India according to the census 2011? भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा? हिमाचल प्रदेश है जी सबसे ज़्यादा लीस्ट अर्बनाइज्ड जो है, आप जाके देखिए भी हिमाचल में। यार वैसे भी एक देखो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ठंड इतनी रहती है कि वहाँ पे लोग जो है मतलब उस तरीके से रहना पसंद नहीं करते, बस वही लोग रह सकते हैं जो पहले के रह रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मतलब इतना ठंड रहता है हिमाचल में। हेयर कैट गोज टू lonelyplanet.com। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा बर्फ बर्फ सबको तो ढका हुआ है। तो अर्बनाइजेशन तो वहाँ पे लोग करते हैं ना जहाँ पे उनके से रहना आसान हो, वही इतने मुश्किल टफ रास्तों पे चलना बर्फ़ में रहना, इट इज़ नॉट इजी टास्क। तो इसी वजह से यही सबसे ज़्यादा कारण है। सबसे पहले दिया है हर्षिता अग्रवाल ने, सो कुड फॉर हर्षिता। रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन इट वुड बी नोन एज द। आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी और गैर कामकाजी आबादी के बीच संबंध को निम्न के रूप में जाना जाता है, एम्प्लॉयमेंट रेशो, इकोनॉमिक रेशो, डिपेंडेंसी रेशो, क्रिटिकल रेशो, रोजगार अनुपात, आर्थिक अनुपात,
निर्भरता अनुपात या फिर महत्वपूर्ण अनुपात? ओके, वी हैव गॉट दी आवर आंसर्स। इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन एंड दी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले राइट आंसर दिया है दीना बंधु साहू ने, इट इज़ कॉल्ड ए डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता अनुपात कहते हो जो आप इन्हें, ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो आप इन्हें बोलते हो। अच्छा, डिपेंडेंसी रेशियो समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फंडा क्या है। देखिए, हेयर यू कैन सी, जो हमारे 0 to 14 ईयर्स वाले, मतलब जिसमें बच्चे आ जाते हैं चिल्ड्रन, और एज आप लोगों का जो 65+ वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, है ना, तो ये जो आपको बताया जा रही है, बुजुर्ग लोग जो हैं दे ये बच्चे और ये दोनों आप लोगों की क्या कहलाती है? ये आप लोगों की कहलाती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। क्या कहलाती है जी ये? ये कहलाती है आप लोगों की डिपेंडेंट पॉपुलेशन। वहीं अगर मैं बात करूँ ये 15 से 64 ईयर्स वाले जो हमारे हैं, ये काम काजी हैं, ये वर्किंग पॉपुलेशन है, तो जो हमारा रेशो है यानी कि एक्टिव पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जो डिपेंडेंसी वाली है, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप डिपेंडेंसी रेशो के नाम से आप यहाँ पे जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन, इट इज कॉल्ड इमाइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। आवर्जन और उत्प्रवास के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? प्रवासन का अंतर, शुद्ध प्रवास, सकल प्रवास या फिर कुल प्रवास, जो है आप इसे बोलेंगे। क्या फर्क है दोनों में? इमाइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन, नॉट बैड। ओके, आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। सो गाइस, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग कहते हो, क्या कहते हो इस कॉन्सेप्ट को? आप लोग नेट माइग्रेशन के नाम से जो है आप लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर दिया है हर्षिता ने दिया है, सो कुडोस फॉर हर्षिता। मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देती हूँ। देखिए, ई माइग्रेशन जो है बेसिकली आप लोगों का क्या है, ई माइग्रेशन तो सिंपल ही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आप लोगों को नज़र आता है, क्या नज़र आता है यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है कि वी आर डूइंग दी माइग्रेशन। ओके, अब इमाइग्रेशन जो है आप लोगों का क्या है, यहाँ अगर मैं इसको बात करूँ कि आप लोगों का इसका जो है, क्या मतलब है। ऑलराइट, तो देखिए, जब कोई एक इंसान एक परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इमाइग्रेशन के नाम से जो है जानते हैं। इमाइग्रेशन तो सिंपल, आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। ओके, इमाइग्रेशन में परमानेंट आपने क्या कर ली है, परमानेंट आपने यहाँ पे रेजिडेंसी जो है क्या है, बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये ले लिया है इसके अंदर, सो दैट थिंग। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या नज़र आएगा, इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग यहाँ पे बोलते हैं, अच्छा सिम, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं नेट माइग्रेशन। ओके, क्या बोलेंगे आप इसे? इसको हम लोग बोलते हैं नेट माइग्रेशन के नाम से भी जो है क्या है इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात मैं कहूँ, ई माइग्रेशन में जो है क्या है, छोड़ना, मतलब किसी कंट्री को छोड़ के जाना, और इम माइग्रेशन में जो है दूसरे में आप लोगों का यहाँ पे आ जाना। अगला क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन कर लीजिए जरा से। विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज सेट टू अकर व्हेन पीपल हैव लिटल और नो चॉइस बट टू मूव? जैसे आपने कोरोना के टाइम पे देखा, किस प्रकार का प्रवास तब कहा जाता है जब लोगों के पास चलने के लिए बहुत कम या कोई विकल्प नहीं होता है? मास माइग्रेशन, फ्री माइग्रेशन,
नोमैडिक माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन। बड़े पैमाने पर पलायन, मुक्त प्रवास, खानाबदोश प्रवास, मजबूर प्रवास। क्या कहलाता है जी आपका? फोर्स माइग्रेशन कहलाता है। देखो, आपने अभी कोविड-19 वायरस के टाइम पे भी देखा था, ये सारे पिक्चर जो है वहीं से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यार, कोविड-19 टाइम के ऊपर क्या हुआ था, मतलब लोगों के पास और कोई चारा नहीं था और उन्हें जो है फोर्स माइग्रेशन जो है यहाँ पे करनी पड़ रही थी। दैट्स वाई करेक्ट आंसर है वो टू बी डी। और सबसे पहले डी दिया है हर्षिता अग्रवाल ने, दिया है शुक्र उस पर हर्षिता अग्रवाल। डी पॉपुलेशन इज क्या है? आ रिडक्शन इन नेचुरल इंक्रीज, आ डिक्लाइन इन इमाइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, द एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, प्राकृतिक वृद्धि में कमी, आवर्जन में गिरावट, ग्रामीण शहरी प्रवास, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में पूर्ण गिरावट जो है क्या है यहाँ पे हो जाना। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी पॉपुलेशन? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे दिया है डी पॉपुलेशन जो है क्या है आप लोगों का, दैट वुड बी डी, एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ एरिया, जब उस एरिया के पॉपुलेशन में गिरावट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो गिरावट वाले को ही आप लोग क्या कहते हैं, गिरावट वाले को ही आप लोग नाम देते हैं डी पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन जो है हमारी फॉल होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, तो इसी को आप लोग नाम देते हैं डी पॉपुलेशन। राइट। अगला क्वेश्चन। सबसे पहले किसने दिया 18 का? एक मिनट देखने दो मुझे रिजल्ट। सबसे पहले हर्षिता ने दिया है, कुडूस पर हर्षिता। द डेमोग्राफिक मॉडल वाज डेवलप प्राइमरली टू एक्सप्लेन दी, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है इसे यहाँ पे ये बनाया गया था? सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, देन वी हैव इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, देन वी हैव पॉपुलेशन चेंजेस कॉज बाय लार्ज शॉर्ट टर्म चेंजेस इन बर्थ रेट, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डेथ एंड बर्थ रेट्स ऑन टोटल पॉपुलेशन, कुछ प्रवास के परिणाम स्वरूप सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या आंदोलन का प्रभाव, जन्म दर में बड़े अल्पकालिक परिवर्तनों के कारण जनसंख्या परिवर्तन, कुल जनसंख्या पर बदलती मृत्यु और जन्म दर का प्रभाव। ओके, सो गाइस आंसर हमारे पास आना शुरू हो गया। देखो, डेमोग्राफिक ट्रांसिशन का सबसे मेन काम क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंजिंग, जो आप लोगों की डेथ और बर्थ रेट चेंज हो रही है उसका टोटल पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, आपको पता है यार, देखो ये ऐसी सच्चाई है कि इससे कोई भी बंदा जो है वो छुप नहीं सकता। अगर आए हैं, देखो ऐसी होती है ना स्टेज, पहले बर्थ रेट से हम लोग शुरुआत हुई, फिर बच्चा बना, फिर इस तरीके से जवान हुआ, फिर बुजुर्ग हुआ, फिर एट द टाइम पे जो एक कड़वी सच्चाई है वो है कि भाई डेथ पे भी जाएगा ही, है ना, वही बच्चा। और देखो भैया, एक बार डेथ रेट पे भी उसमें जाना होता है। तो ये जो सारा है आप लोगों का क्या बताता है, ये सारा आप लोगों का डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की
थ्योरी के बारे में जो है आप लोगों को यहाँ पे ये बताएगा। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे दिया है 19 का, किसने दिया है? वंस अगेन हर्षिता अग्रवाल का सबसे पहले आंसर है मेरे पास, सो डी वुड बी द राइट ऑप्शन हियर। अगला क्वेश्चन, विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? 1881, 1901, 1921, 1951। भारत में किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है? 1881 में, 1901 में, 1921 में या फिर 1951 में, जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है? ऑलराइट, आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। सो गाइस, करेक्ट आंसर है वो टू बी सी, 1921 वाले को जो है ये कहा जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे आंसर दिया है सबसे पहले दिया है हेमांगनी ने, सो कुडोस फॉर हेमांगनी एंड द करेक्ट आंसर वो टू 1921। देखिए, कल जब मैं करवा रही थी तो कल हमारा रह गया था ये वाला क्वेश्चन, फिर काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर पूछा था तो मैंने कहा था आज करवाऊंगी मैं ये वाला क्वेश्चन जो है, फिर हाजिर रह जाए आपके सामने। द रेलिवेंट एज ग्रुप फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशो, बाल लिंग अनुपात की गणना के लिए प्रासंगिक आयु समूह कितना है? 0 to 1 year, 0 to 3 year, 0 to 5 year, 0 to 6 year। कौन से वाला जो है आपको यहाँ पे नजर आता है? देखिए, जब भी आपको करना है चाइल्ड सेक्स रेशो नापना हो तो डी वुड बी द राइट ऑप्शन। 0 to 6 years तक के जो यहाँ पे बच्चे होते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ जी कौन से वाले बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। ये देखो, ये होते ना बड़े शरारती से, और चाइल्ड सेक्स रेशो को अगर आपने नापना है तो 0 to 6 years आप अपने दिमाग में रखेंगे। और सबसे पहले राइट आंसर दिया है, किसने दिया है? हाँ, बहुत ही कम दे रहे हैं राइट आंसर, ढूंढने दो पहले मेरे को विनर। ओके, सो गाइस, सबसे पहले राइट आंसर दिया है नॉट अराती, इन्होंने भी नंबर चेंज कर दिया था, दीना बंधु ने दिया है, सो कुडोस फॉर दीना बंधु एंड द करेक्ट आंसर है वो टू बी डी। सो गाइस, अब बारी है हमारे आज के बंपर क्वेश्चन की, और बंपर क्वेश्चन में मैं टॉप 10 के नेम अनाउंस करूंगी, ठीक है? तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किसके बारे में, प्लस के बारे में। ऑलराइट, सो गाइस, अन अकेडमी प्लस की तरफ से आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च हो रखा है। अगर आप लोग चाहते हैं NT UGC नेट की तैयारी करना एक सिस्टमेटिक वे में, यहाँ पे आपको मिलेंगे कंप्लीट कोर्स, PYQs मिलेंगे आपको 2004 से लेके 19 वाले, रिवीजन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के स्पेशल कोर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो, हमारा जो नया बैच है, करंट बैच जो है ये शुरू हो रहा है। करंट बैच दिखाने से पहले कुछ और भी दिखा दूँ मैं आपको। करंट बैच हमारा जो नया वाला आ रहा है वो 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है जी। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है, क्रिसमस के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्या होगा भाई, ओपन नहीं। सो गाइज, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि होने वाला है प्राइस हाइक, कल लग जाएगा, कल शाम को 6 बजे अप्लाई हो जाएगा। देख लो कितना हाइक हो रहा है, पहले एक महीने का 2100 था, फिर 29 हो जाएगा, 5 to 50 का 7 to 50, 9 to 50 का 1350, 11 to 50 का 5950, 16 to 800 का 23200, एक महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। ऑलराइट, तो गाइस, सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास है कि आप 12 महीने का ले लो, सबसे सस्ता भी रहेगा आपके लिए और आपको फील भी नहीं होगा और
कल जो है आप 6 बजे से ले ले पहले ले लीजिए इसे, ताकि आपको ज़्यादा ना पे करना पड़े। यूज़ माई कोड तान्या लाइव, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और पेपर वन आपको मिलेगा मुफ्त 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 फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सो गाइज, फॉर अच्छा कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन ये बता रही थी मैं आपको। हाँ जी, तो मेरी प्रोफाइल पे जाना, वहाँ पे प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करते ही इस तरीके से आपके सामने ये सारा ओपन हो जाएगा। फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लो, 12 महीने सेलेक्ट किया, देन अप्लाई माई रेफर कोड तान्या भाटिया 1213, या फिर आप कैपिटल लेटर में तान्या लाइव भी आप कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इससे अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद आप जाएंगे, आपको 6 महीने का लेना है, 12 महीने का लेना है, या 24 महीने का लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने का लेना है, 10% ऑफ आपका अप्लाई हो चुका है। देन यहाँ पे आप क्रेडिट्स अप्लाई कर लेना, क्रेडिट से भी आपको और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद डेबिट, क्रेडिट, EMI, UPI, जैसे भी आप लोग अपनी पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइज, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको सारा अच्छे से बता ही दिया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी 9818369115, इस नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप जो है अपना कर सकते हैं। ठीक है, नेट रिप्रोडक्शन रेट इज, शुद्ध प्रजनन दर जो है आप लोगों की क्या होती है। इट रिलेट्स टू द एवरेज नंबर ऑफ बेबीज बोर्न टू फीमेल, इट रिलेट्स टू लाइफ स्पैन ऑफ अ फीमेल, बोथ एंड बी नन ऑफ देम। यह मादा से पैदा होने वाले शिशुओं की औसत संख्या से संबंधित है, यह एक मादा के जीवन काल से संबंधित है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई भी नहीं। लाओ भाई दिमाग, ए भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं। देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, आपको कौन सा नंबर देना है, बस वही नंबर दिया करो जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसी नंबर के हिसाब से आप आंसर दिया करो। 19 का हो जाएगा आप लोगों का ए। देखो ये होता है, इट रिलेट्स टू एवरेज नंबर ऑफ बेबीज बोर्न टू अ फीमेल, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, और सबसे पहले 19 का सही जवाब दिया है हर्षिता अग्रवाल ने, सो कुडोज फॉर हर्षिता। ऑलराइट, लो भाई अगला क्वेश्चन, ये बड़ा रिपीट होता है। अभी टाइम बचा हुआ है हमारे पास, मैंने टाइम चेक किया, अभी टाइम बचा हुआ है, तो 2-4 क्वेश्चन और हो जाएंगे इतने में। तो विच एज स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना पर निर्भर करती है, 0 to 14, 18 to 50, ए एंड बी अबव, नन ऑफ दिस। डिपेंडेंट एज स्ट्रक्चर कौन सी है जी, ये जो है ना 0 से 14 साल वाली, मैंने आपको दिखाई भी थी उसमें, कार्टून में दिखाई थी ना मैंने आपको, ये देखो, ये जो है ना 0 to 14 years वाले जो हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए दिया है, किसने दिया है, हर्षिता ने दिया है, सो कुड इज फॉर हर्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड यूज्ड इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, गुड इवनिंग मिथुन आर्या, पर्यावरण अर्थशास्त्र में आकस्मिक मूल्यांकन विधि CVM का प्रयोग किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस यूज फॉर मार्केट अंडर मार्केट फेलर, फॉर पॉल्यूशन, फॉर प्रॉपर्टी राइट्स, प्राकृतिक संसाधन के लिए बाजार की विफलता के तहत बाजार के लिए इस्तेमाल किया गया, प्रदूषण के लिए, और आपके पास है यहाँ पे संपत्ति के अधिकार के लिए। CVM इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ये। ओके सो गाइज, इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द मार्केट, जहाँ पे अंडर द मार्केट फेलर, जहाँ पे हमारी मार्केट क्या हो जाती है, जहाँ पे हमारी मार्केट हो जाती है फेल। और सबसे पहले 17 का सही जवाब दिया है हर्षिता ने दिया है, सो कुडोज फॉर हर्षिता। राइट, सो गाइज, ये है हमारा आज का बम्पर क्वेश्चन। अनस्टेबल पॉपुलेशन इज, एक स्थिर जनसंख्या है, कॉन्स्टेंट बर्थ रेट, अनचेंजिंग एज स्ट्रक्चर, बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव, लगातार जन्मदर नहीं, मतलब
स्टंट का हिंदी स्थिर, स्थिर जन्म दर, नॉट लगातार। अपरिवर्तनशील आयु संरचना दोनों ए और बी, इनमें से कोई भी नहीं। सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एंड माई टॉप 10 विनर्स आर, फर्स्ट नंबर पे है हर्षिता, सेकंड पे लाइवा, थर्ड पे अंजलि, फोर्थ पे रीना बंधु, फिफ्थ पे अंशिका, सिक्स पे हिमांगनी, सेवन पे गुलशन, एट पे लर्न विद फन, नाइन पे सुष्मिता, नाइन पे बसंती, टेंथ पे है सिंपले मिश्रा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कुडस फॉर ऑफ यू गाइज। आई होप आपको दिस सेशन इज़ फ्रूटफुल फॉर यू और आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। और गाइज, जो लर्नर्स पहली बार मुझे देख रहे हैं और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आज ही अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च बार में सर्च करके तानिया भाटिया मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे मेरे फ्री के लेक्चर्स, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो है आपको यहाँ पे मेरी देखने के लिए मिलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ भी आपको इसके लिए यहाँ पे नहीं करना, स्पेशल क्लासेस में जाके जो है PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम पर वो डाल दूँगी। ओके, कल भी हम लोग सेम इसी टाइम के ऊपर जो है यहाँ पे मिलेंगे। वी विल मीट यू एट दी सेम टाइम 5 o'clock। और कल जो है आप लोगों के साथ मैराथन कंडक्ट करवाऊँगी, इंडियन इकोनॉमी वाला मैराथन जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इस टाइम के ऊपर कंडक्ट जो है करवाने वाली हूँ। राइट, सो गाइज थैंक यू, थैंक यू, इट वॉज रियली नाइस सेशन। और यही वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर भी पोस्ट कर दूँगी अभी थोड़ी देर में, ताकि जब भी आपका देखने का मन करे आप जाके उसकी रिकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं आराम से। और मिलते हैं अब आपसे रात को 10 बजे वाली क्लास में। सी यू एट 10 o'clock, 10 PM जो हमारी क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी जी? 10 बजे हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। वी विल मीट इन दी अनअकैडमी का ही जो है हम लोग फ्री क्लास के अंदर। और आज आप लोगों का होने वाला है, क्या होने वाला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली स्पेशल क्लास में जो है आपसे वहाँ पे मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।